बॉम गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स हैव जॉइन दिस सेशन। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि बेसब्री से आप सभी इंतजार करते हो। लगभग 7:45 पे ही आप में से बहुत सारे आ जाते हैं। तो आज क्या होने वाला है? कहानी बहुत ही सिंपल सी है कि 50 सवाल एचपी जीके के हैं, 50 सवाल भारत के हैं, इंडियन जीके पे हैं, और बिल्कुल सोशल स्टडी हम पूरा कवर करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और हिमाचल प्रदेश के 50 सवाल अलग-अलग सिस्टम पे होंगे। आपको टारगेट जो है वो है 75+ आपका स्कोर होना चाहिए। तो क्या आप सभी वहां तक पहुंच सकते हैं? बताइए, पहुंच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और आज की मोटिवेशन क्या है, क्योंकि हम मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन ये रही, प्यारे प्यारे बच्चों, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है, तो वो दिन जरूर आएगा जब कामयाबी जो है यानी सक्सेस, ठीक है, तो सफलता शोर मचा दे। खामोशी, मेहनत इतनी खामोशी से करिए, ठीक है। तो ये थी हमारी मोटिवेशन, छोटी सी। शुरुआत करते हैं एचपी जीके के धमाकेदार सवाल आपके लिए। पहला सवाल ये रहा, हो जाओ शुरू। एचपी जीके के जितने भी धुरंधर हैं यहाँ पे आए हुए, लीजिए पहला सवाल। आर यू गाइज रेडी और नॉट? आर यू गाइज रेडी टू फायर? बिल्कुल सर, धमाका ही कर दें आप, बोलो तो सही। चलिए करते हैं शुरू फिर अपने इस सेशन को। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, किन्नौर से गढ़वाल को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दुग्गी जोत, कामीलागा, मुलारी जोत या फिर दुलची? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इसका सही जवाब क्या हो जाता? आई होप, मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आने का आ चुके हैं, तो फिर करते हैं शुरुआत। इसका सही जवाब जाता ऑप्शन बी, जिन जिन बच्चों ने कहा कामीलागा दर्रा किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की डैनविन घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? ये आपने बताना है। बताइए, त्यून और श्रीयून, धारा नैना देवी और धारकोट, धार बचेतु और धार बसे या फिर धार बहादुरपुर और धार बंदला? हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला, कहलूर जिला है ना, और उसकी जो डैनविन घाटी है वो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? ये सवाल है। इसका सही जवाब क्या होगा? कंप्यूटर महाशय, किस ऑप्शन पे ताला लगा दिया जाए? बच्चों बताओ जरा जल्दी से, इसका सही जवाब किसके साथ आप जाना चाहेंगे? ऑप्शन बी के साथ? बी कह रहे हैं सर। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट, फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था ऐसा है, क्या था? किन्नौर से गढ़वाल को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये था पहला सवाल। कामीलागा आ जाएगा यहाँ पे आंसर। आगे, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले, इसका सही जवाब होता ऑप्शन डी, बी नहीं होता, यानी कि धार बहादुरपुर और धार बंदला, ये हो जाता सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य राजा दिवोदास के साथ युद्ध में शांबर का सहयोगी कौन था? वेरची था, सुदासा था, अर्जुन था या फिर प्रद्यमान था? इसका सही जवाब क्या होगा, बताओ जल्दी से। आर्य राजा दिवोदास, कल आपने देखा इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, किरात की हार हुई, 40 वर्षों तक युद्ध हुआ। अब सवाल देखो, ऐसे ही सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार आपसे भी पूछा जाएगा, तो आपने आंसर क्या करके आना है? सर हम आंसर करके आएंगे ऑप्शन ए, यानी कि बेरची। ये करके आओगे तो नंबर मिलेगा पूरा। आगे बढ़ते हैं, न्यायमूर्ति टेक चंद ने किस समुदाय का उल्लेख उसकी उच्च सेवा, गरिमा और कर्तव्य की भावना के लिए किया? गिरत के लिए, सूद के लिए, गद्दियों के लिए या फिर तारखानों के लिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब हो जाता प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, यानी कि सूद कम्युनिटी है वो। क्वेश्चन नंबर 5, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है, द रीजन बीइंग 100 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुनिंदों के सिक्कों पे कौन सी आकृति पाई जाती है? वीणा के साथ सरस्वती, कमल के साथ विष्णु, त्रिशूल वाले शिव या फिर वज्र के साथ इंद्र? किस में पूछा है? कुनिंदों के सिक्कों पे,
पढ़ा हुआ है आपने ये बताइए। इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन सी, शिवा विद ट्राइजेंट, त्रिशूल वाले शिव। तो हर हर शंभु, हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्रभागा के साथ कौन सी जनजाति रह रही है? कल भी आई थी जनजाति, बताओ स्वांगला, गद्दी, कुन्नू खंपा या फिर नियोंडी खंपा, ए बी सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब लाहौल स्पीति में है स्वांगला, स्वांगला ट्राइब है वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में ब्रह्मपुरा के साथ ऊपरी रावी घाटी में एक राज्य की स्थापना किसने की थी? रामगुप्त, कुमार गुप्त, कुनाला या फिर मारुवर्मन। वो व्यक्ति कौन से थे जिन्होंने ये काम करके दिखाया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य ब्रह्मपुरा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंट दिया आपको, ब्रह्मपुरा के साथ ऊपरी रावी घाटी में एक राज्य की स्थापना की, तो कहीं ना कहीं चंबा को ये टारगेट कर रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मारुवर्मन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित पहाड़ी राज्यों में से किसकी स्थापना मैदानी इलाकों के राजपूत साहसी लोगों द्वारा नहीं की गई है? कौन है वो? रामपुर बुशहर, मंडी, बिलासपुर कहलूर या फिर सिरमौर। निम्नलिखित पहाड़ी राज्यों में से किसकी स्थापना मैदानी इलाकों के राजपूत साहसी लोगों द्वारा नहीं की गई थी? और ये जो रियासत थी प्यारे बच्चों, यही थी रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, धामेरी नूरपुर के किस वंशज को जहांगीर ने नगरकोट किले पे कब्जा करने के लिए भेजा था? जिसने पहाड़ी प्रमुखों के साथ मिलकर शाही क्षेत्र को लूट लिया और बाद में मऊ किले में भाग लिया। अब ये तो देखो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री किस किस बच्चे ने पढ़ी है, जेन्युइनली बताओ, जिस जिसने पढ़ी है बताइए, जेठपाल, पहाड़ी मल, भगत पल मल या फिर सूरजमल, वो कौन से राजा हुए? उस राजा का आपने नाम बताना है, कौन से राजा हुए वो। एक बार फिर से पढ़ता हूं क्वेश्चन आपके लिए, धामेरी नूरपुर के किस वंशज को जहांगीर ने नगरकोट किले पे कब्जा करने के लिए भेजा, जिसने पहाड़ी प्रमुखों के साथ मिलके शाही क्षेत्र को लूट लिया और बाद में मऊ किले में भाग लिया। प्यारे बच्चों यही है आपके ऑप्शन डी, यानी कि सूरजमल। आगे बढ़ते हैं, चौपाल, जुब्बल और रविंग डारेसा में गोरखाओं के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किसने किया? वो व्यक्ति कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी, जेम्स वेली फ्रेचर, मार्टिंडेल या फिर गिलेस्पी। अब उस व्यक्ति का नाम बताना है, चौपाल, जुब्बल और रविंगड़ा रेसा में गोरखाओं के खिलाफ अभियान का नेतृत्व जिसने किया वो थे ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होता है जेम्स वेली फ्रेजर, वो व्यक्ति थे। नेक्स्ट सवाल है, कांगड़ा के किस राजा ने अकबर के खिलाफ 1588 से 90 में जम्मू और कांगड़ा के बीच सभी पहाड़ी प्रमुखों को संगठित किया? वे व्यक्ति कौन थे? विधिचंद, त्रिलोकचंद, जयचंद, भीमचंद, ए बी सी या फिर डी। कांगड़ा के वो व्यक्ति, वो राजा जिसने अकबर के खिलाफ सन 1588-90 में जम्मू और कांगड़ा के बीच सभी पहाड़ी प्रमुखों को संगठित किया, ऑप्शन ए विधिचंद वो व्यक्ति थे। नेक्स्ट सवाल, प्रथम सिख युद्ध, प्रथम सिख युद्ध के दौरान कोतवाल बाह के किले से कुटलहर के किस शासक ने सिखों को हराया? रामपाल, राजेंद्र पाल, ब्रिजमोहन पाल या फिर नारायण पाल, वो व्यक्ति कौन थे आपने ये बताना है। बहुत बढ़िया, नीलाक्षी, सुरजीत, अभिषेक, दीक्षित, लकी, अवनी, आवा, प्रतिभा, नरेंद्र, मंजू, कपिल, छोटे दिनायक, शबनम, आडू, संजीव, मनीषा, दशानंद, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सविता जी, एक्सीलेंट। किरण, प्रियंका, यस, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन जो थे आपके नारायण पाल, ऑप्शन नारायण पाल इज द करेक्ट आंसर, बी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ढाटू, ढाटू क्या है? ढाटू क्या है? निचले हिमाचल में एक शाकाहारी व्यंजन है, ऊपरी हिमाचल में लोक नृत्य का एक रूप है, एक वाद्य यंत्र है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सिर ढंकना, बताओ। ढाटू वाली ये कमलुए, बताओ फिर प्यारे प्यारे बच्चों। सर इसका सही जवाब हमें पता है, जब लड़की जो है अपने सिर पे क्या लगाती है,
सर जब लड़की सिर पे ढाटू लगाती है तो बहुत सुंदर लगती है। बात बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब क्या होता? ऑप्शन डी, ढाटू वाली है। ठीक है, गाना भी एक बहुत फेमस, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का सिर ढंकना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिलासपुर में बोली जाने वाली बोलियों को किसने 6 श्रेणियों में विभाजित किया? वो व्यक्ति कौन थे? जी ए ग्रियर्सन, टी ग्राहम बेली, गोविंद चाटक या फिर हरदेव बाहरी। 6 में विभाजित किया, बिलासपुर की बात है और उनका नाम बताना है आपने। बोली जाने वाली बोलियों का किसने 6 श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन बी हो जाता, टी ग्राहम बेली वो व्यक्ति थे। नेक्स्ट सवाल, हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त को उपराज्यपाल द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? कब किया गया था? नवंबर 1951, मार्च 1952, अक्टूबर 1952, दिसंबर 1952। When was Chief Commissioner replaced by Lieutenant Governor in Himachal Pradesh? So this happened in March 1952. Option B, जो बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। Next सवाल, हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद के पहले और एकमात्र अध्यक्ष कौन थे? Who was the first and the only chairman of Himachal Pradesh Territorial Council? ठाकुर करम सिंह, YS परमार, ठाकुर रामलाल, पंडित गौरी प्रसाद। ए बी सी या फिर डी। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, ठाकुर करम सिंह। नेक्स्ट सवाल, मंडी में शिवरात्रि मेला कब तक चलता है? बताइए, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन। मंडी शिवरात्रि मेला बताइए, तो फिर आपको वो भी आना चाहिए, है ना? कौन सी चीज, जैसे वो सवाल आते हैं वहां पे, राजा कौन था, शुरुआत कहां से हुई, पूरा, ठीक है, हिस्ट्री। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, यानी कि 7 डेज के लिए होता है। नेक्स्ट, उस गद्दन का नाम क्या है जिसके साथ कांगड़ा के राजा संसार चंद को प्यार हुआ था? आए हाय, मुरकुल, मुरकुलु, द्वारकु, सुहारू और नुकु, बताओ तो। राजा संसार चंद को प्यार हो गया है ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दोनों। सर मजा नहीं आ रहा है, हिमाचली वर्जन गाओ तब ज्यादा मजा आएगा। तो अगर हिमाचली वर्जन गाए तो तेरे मस्त मस्त दो टेंडे मेरे दिल में पड़ गए छेंडे। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो थे राजा संसारचंद, इनको प्यार हुआ, गद्दन से प्यार हुआ, उसका नाम था ऑप्शन डी, दैट इज नोखू। नोखू से इनको प्यार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गुलेर का कौन सा राजा कला, विशेष रूप से चित्रकला का एक महान संरक्षक था? गोवर्धन चंद थे, रामचंद थे, रूपचंद थे या फिर करणचंद थे? गुलेर रियासत पे बहुत सारे सवाल बनते हैं, क्यों? क्योंकि कांगड़ा में अगर पेंटिंग की बात करते हैं, चित्रकला की बात करते हैं, सो दिस इज वेरी वेरी ऐतिहासिक एंड फेमस। इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन गोवर्धन चंद, इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, चंबा शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया? सीधा सवाल बताइए, साहिल बर्मन थे, भूरी सिंह थे, मारू वर्मन थे या फिर मुशान बर्मन थे? इनमें से वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया? और ये थे आपके साहिल बर्मन, बिल्ट द लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन चंबा टाउन। आगे बढ़ते हैं, भारत में बाबर द्वारा बनाए गए पहले मुगल उद्यान का क्या नाम, का नाम बताना है आपने, जिसे उसने, ध्यान दें यहां पे, आराम बाग नाम दिया था। बताइए, मुगल बाग, बाबर बाग, राम बाग या फिर दिल्ली बाग, इसका आंसर करके बताइए। भारत में बाबर द्वारा बनाए गए पहले मुगल उद्यान का नया नाम क्या है जिसे उसने आराम बाग नाम दिया था? एंड द आंसर गोज विद ऑप्शन सी, दैट इज राम बाग। आगे बढ़ते हैं, किस समिति ने भारत में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही अधिनियम की सिफारिश की? वो समिति का नाम बताइए, उस कमेटी का नाम क्या था? वेद प्रकाश, अरुण ग्रोवर, यशपाल समिति या फिर ए एन पठान समिति। उस समिति ने भारत में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही अधिनियम की सिफारिश की। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ए एन पठान कमेटी। नेक्स्ट सवाल, 2 मेगावाट क्षमता की रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? देखो, जल विद्युत परियोजना पे आज फिर से सवाल है, इसका जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया मनीषा,
अवनी, जितेंद्र, छोटे तो नायक, हितेश, तन्या, प्रिंस, विनीत, राहुल, साहिल, लक्ष्मी, पायल, कमल, परवीन, डोगरा जी। क्या बात है सर। ऑप्शन सी लाहौल स्पीति के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, धार्मिक स्थलों पे पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का कौन सा संगठन विरोध कर रहा है? किन्नौर मंदिर समिति है, चंबा मंदिर मंदिर संघ है, महासु कारदार संघ है, कुल्लू देवी देवता कारदार संघ है, बताइए। तो हाई कोर्ट शिमला से फैसला आया है कि धार्मिक स्थलों पे पशु बलि पे प्रतिबंध लगाएं, लेकिन लेकिन इन चारों में से किस मंदिर कमेटी ने ये कहा? भाड़ में गया तुम्हारा ये फैसला, ठीक है? हम चलेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे हैं अपने रिचुअल्स, हमारे हैं अपने कल्चर, ठीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हमारे कुल्लू देवी देवता कारदार संघ ने, है ना? और कुल्लू में तो आपने देखे हैं कितने ज्यादा टेम्पल है ना। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में घोड़े का प्रजनन फार्म कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में लारी, कुल्लू जिले में निथर, शिमला जिले का ज्योरी या सोलन जिले का डगसाई, बताओ। हिमाचल प्रदेश में घोड़े का जो प्रजनन फॉर्म है प्यारे प्यारे बच्चों, दैट इज ऑप्शन ए लारी इन लाहौल स्पीति में। आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पे भारत सरकार ने हथकरघा क्लस्टर को मंजूरी दी है, जिसके लिए पहली किस्त पहले ही प्राप्त की जा चुकी है? जंजैहली में, तीसा में, जवाली में या फिर घुमारवी में? इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो कहाँ पे मंजूरी मिली है, कहाँ पे मिली है, बताओ। कई बार किया ये सवाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घुमारवी, घुमारवी में, हिमाचल प्रदेश, घुमारवी। हिमाचल प्रदेश में छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना के निष्पादन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है इनमें से? उस नोडल एजेंसी का नाम, ये थोड़ा करंट अफेयर है, बताइए। हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी, एचपी, आईपीएच डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल एंड स्मॉल टाउन कमेटी या फिर हिमुडा, बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा, निम्बुड़ा, 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 छोटा सा निम्बुड़ा लाई दो, लाई दो, लाई दो, लाई दो। इसका सही जवाब होता सर ऑप्शन डी पे ताला लगाओ, आगे बढ़ो। तो हिमुड़ा निम्बुड़ा याद रख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, एट प्रेजेंट अभी की अगर बात करें, हाउ मेनी पंचायत समिति आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? सर 81 के आसपास हैं, लेकिन सवाल क्योंकि पुराने हैं, 55, 66, 77 या फिर 88, बताइए। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायत समितियां हैं लगभग लगभग? तो इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन सी 77, ठीक है? उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में मानव रहित 33 केवी और उससे ऊपर के विद्युत उपकेंद्रों की निगरानी और नियंत्रण के लिए आपदा रिकवरी केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? ठियोग में, गगरेत में, पांवटासाही में या फिर सुंदरनगर में? ये वाली चीज कहां पे बनाई गई है? हिमाचल प्रदेश में मानव रहित 33 केवी और उससे ऊपर के विद्युत उपकेंद्रों की निगरानी और नियंत्रण के लिए आपदा रिकवरी सेंटर ये बनाया है हमने, कहां पे बनाया है? पांवटा साहिब। ऑप्शन बी पांवटा साहिब इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जंजियार पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? ऊना में, हमीरपुर में, बिलासपुर में या फिर कांगड़ा में? इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, रवि, आशीष ठाकुर मंडी वाले, सलोनी, राजेश्वरी भारद्वाज, किरण, लकी, हुसन चंदेल, विशाल, राजकुमार, रोहित, रेखा ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, उर्मिला ठाकुर, बहुत बढ़िया, तन्या, यू आर राइट, प्रतिभा शर्मा, एज यूजुअल यू आर राइट, क्या बात है, किरण कुमारी, बहुत बढ़िया, राणा जी, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन बिलासपुर में है, जंजियाल पर्वत से निकला, बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, किन्नर जो है, किन्नर देश किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यान की, यशपाल की, ई ए चौहान की, अपंसी राम शर्मा की? इनमें से वो कौन वे व्यक्ति हैं जिनकी जो रचना है वो किन्नर देश है, तो किसकी होगी? ठीक है, राहुल सांकृत्यान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नोट डाउन दिस। किस स्थान को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है? देख लीजिए हल्का सा, यहाँ पे टांडी, ताबो, रिकांगपियो, चंबा, कई बार किया है। हिमाचल प्रदेश का अजंता, हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है ताबो मठ को, ठीक है, लाहौल स्पीति। बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल को काला युग भी कहा जाता है, ब्लैक एज कहा जाता है? महान चंद, खड़क चंद, जगत चंद, कृपाल चंद, बताइए। इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उस वक्त लड़की के चक्कर में पड़ गए थे ये, ठीक है?
तो आप सभी सोच तो वही रहे हैं, लड़की का चक्कर बाबू भैया, ठीक है, लड़की के चक्कर में रह गए, बाकी राजा आए, उन्होंने आक्रमण किया बिलासपुर पे, ये भैया अपनी मस्ती में थे, ठीक है। इसीलिए इस भाई साहब को एक टैग मिला, और ये टैग ये है काला युग, और पेपर में पूछ लेते हैं, इसका सही जवाब जाता खड़क चंद, ठीक है, खड़क चंद वो व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं, बाबा रुद्र का डेरा कहाँ है? लो भाई, हमेशा एक ही शिकायत करते हैं, सर हमारे डिस्ट्रिक्ट पे एक भी सवाल नहीं होता है, हम नहीं आएंगे। तो ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाता हूँ कि इनके जिले पे जरूर हो, नालागढ़, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, बताओ वेयर इज द कैंप ऑफ बाबा रुद्रा, बाबा रुद्र का डेरा कहाँ पे है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ऊना, ऊना इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी लघु चित्रकला का महान चित्रकार माणक किसके राज दरबार को शोभा था? संसार चंद कांगड़ा, शाम सिंह चंबा, आनंद चंद बिलासपुर, गोपाल सेन मंडी। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया। पहाड़ी लघु चित्रकला का महान चित्रकार माणक किसके राज दरबार को शोभा था? संसार चंद कांगड़ा ही होगा इसका सही जवाब। कांगड़ा किले का निर्माण किसने करवाया था? आपने देखा है बहुत ही हिस्टोरिक चीज है हमारे कांगड़ा जिले में, संसार चंद ने, उमेद सिंह ने, भगत मल ने, या फिर सुशर्मा चंद थे। कांगड़ा फोर्ट जो बनाया वो इनमें से किस व्यक्ति ने बनाया, आपको बताना है। द आंसर गोस लाइक सुशर्मा चंद, सुशर्मा चंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको बनाया। नेक्स्ट सवाल है, मंडी की बल घाटी वेजिटेशन के लिए जानी जाती है, किस पहाड़ी क्षेत्र में आती है? ये सवाल है ज्योग्राफी से, मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र, शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, या फिर निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। इसका सही जवाब क्या होता है? दीक्षित का आंसर बिल्कुल सही है, योगेश डोगरा जी, ज्योति, उर्मिला, सविता, किरण, एक्सीलेंट, देवभूमि, जितेंद्र, आज हिमाचल गर्ल, हिमालयन गर्ल, कुछ नाम दिख नहीं रहे हैं वैसे, अटपटे से नाम। अबे अबे, आई गेस यू आर न्यू स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। प्रिंसी क्या बात है, बहुत बढ़िया। ममता शर्मा, इसका सही जवाब जाता सर निमन, निमन पहाड़ी जो क्षेत्र है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केलांग लाहौल स्पीति का मुख्यालय कब बना? 1941, 42, 43, 44, कब बना कौन सी चीज? केलांग, तो प्यारे बच्चों ये बना 1941 में, ठीक है, 1941 में बना। आगे बढ़ते हैं, टिम्बर ट्रेल दुर्घटना रोपवे किस स्थान पे हुई थी? पौंटा साहिब में, मंडी में, परवाणु के निकट, या शिमला नगर के निकट, ये कहाँ हुई थी ये टिम्बर ट्रेल एक्सीडेंट, बताइए ये कहाँ पे हुई थी? 100 200 ज्यादा ले ले भाई, लैंडिंग करा दे इसकी, लैंडिंग करा दो। ये वो वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग है, बट विचार उस वक्त वही आ रहे होंगे। इसका सही जवाब होता परवाणु के निकट। नेक्स्ट सवाल, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताइए, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या, सोलन, शिमला, सिरमौर, या फिर किन्नौर, ए बी सी डी। इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन शिमला। आगे बढ़े, चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है? ब्यास, राबी, सतलुज, चंद्रभागा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, चंबा पे, तो चंबा जो है बताओ वो कौन सी नदी पे सिचुएटेड है? द करेक्ट आंसर इज राबी नदी। आगे बढ़े, देई कुंड कहाँ पे स्थित है? बताइए वेयर इज देई कुंड सिचुएटेड? चंबा, शिमला, डलहौजी, या फिर धर्मशाला, ये कहाँ पे है? इसका आंसर दो जरा, इसका आंसर क्या होगा? तेई कुंड, इसके बारे में तो मैंने भी नहीं सुना है टू बी ऑनेस्ट, कहां पे है ये? आपने सुना है कि नहीं सुना है? तेई कुंड कहां पे है? और इसका सही आंसर है डलहौजी, चंबा, यानी ऑप्शन डलहौजी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, सुकेत सत्याग्रह बहुत ही फेमस है ना, का नेतृत्व किसने किया था? करमचंद ठाकुर, पंडित पद्मदेव, हरिदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सुकेत सत्याग्रह जो 18 फरवरी 1948 का नेतृत्व जिसने किया, उस व्यक्ति का नाम था पंडित पद्मदेव, कई बार हमने किया है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे महिला पॉलिटेक्निक संस्थान है? बताइए, सोलन, शिमला, कंडाघाट, हमीरपुर। चलो तो लड़कियों जाओ जाओ वहां पे करो अपना पॉलिटेक्निक, मेरे को इसको देख के वो याद आ रहा है, प्रोडिगल साइंस में किया था, बिहार के टॉपर है ना, कौन सी चीज में टॉप किया? अजी प्रोडिगल साइंस में किया, ये प्रोडिगल क्या होता है भाई? पॉलिटिकल साइंस वो बोलना चाहती थी, ठीक है। तो बताइए, महिलाओं के लिए इकलौता महिला पॉलिटेक्निक संस्थान कहाँ पे है? लड़कों के लिए नहीं है, लड़कों चलो, आर्टिकल 14 के साथ छेड़खानी हुई है, चलते हैं जरा बहिष्कार करते हैं आर्टिकल 14,
ये मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, मतलब आ भी जाती है बड़ा ऐसे फन वे में, कि ये बॉय स्कूल गर्ल स्कूल करने का क्या मतलब है? हैं, गर्ल स्कूल बनाया हुआ है, रखे उधर मेल टीचर हैं, फिर उनको भी हटाओ ना वहां से, फिर सारी की सारी टीचर गर्ल ही होनी चाहिए, जितने भी ऐसे जितने भी स्कूल कॉलेज हैं हिमाचल में, अलग ही सिस्टम है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे आपको टीचर आपको मेल दिखेंगे, है आपने फीमेल के लिए बनाया हुआ, अलग ही सिस्टम है भैया, है ना? आर्टिकल 14, अब आर्टिकल 14 तो बोलता है इक्वालिटी है, समानता है, ये समानता तो नहीं है, उनको तो जाने नहीं दिया जा रहा है वहां पे। चलिए, ऐसी जगह हम आर्टिकल 14 नहीं ला सकते हैं, आपको बताया था मैंने, ठीक है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी सर, कंडा घाट में ये, तो कंडा घाट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय कांगड़ा के किस राजा की सेवाओं से प्रसन्न होके अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि प्रदान की? जयचंद, गरुणचंद, रतनचंद, हरिचंद। इनका भी अलग ही सिस्टम होता था, है ना? मतलब ना जितना ये राजा अनपढ़ थे ना, इतने कोई नहीं होते थे, मतलब कुछ को छोड़ दें 10% को, बाकी 90% ऐसे होते थे। इन बेचारों को खिल्लत बोल देते थे, कुछ ऐसी अब फालतू की उपाधियां दे देते थे अंग्रेज, और ये भी इनको कोई भी उपाधि दे दें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। इनको जैसे कांगड़ा के इस राजा को क्या मिला, इसने सेवाएं दी, उसको महाराज दे दिया, हाँ जी हाँ जी महाराज महाराज, ये खुश हो रहे हैं, हमारे राजा खुश हो रहे हैं। ये समझ नहीं रहे, ये वहां की पॉलिटिक्स नहीं समझे, अगर ये समझ गए होते तो इतने दिन तक शासन नहीं किया होता अंग्रेजों ने, ठीक है? इनके अपने ही मजे लगे हुए हैं सभी के, ठीक है? अनपढ़। इसका सही जवाब होता जयचंद। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? बगलानी बोली, ध्यान दीजिएगा, बगलानी बोली हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? सोलन, नालागढ़, अर्की कुनिहार, धर्मपुर, कुमारहट्टी, बद्दी बरोटीवाला। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इसका सही सही जवाब क्या होगा? अरे भैया ऐसा ही है, ऐसा ही है, इनको बोलो हिंदुओं पे, चलो छोड़ो रहने दो, फिर आप ज्यादा हंस जाएंगे। आते हैं यहाँ पे, बगलानी बोली बोली जाती है अर्की कुनिहार में, राइट? आगे बढ़ते हैं। बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था, बताओ? ये सवाल पूछा जाता है। तो दो गांधी थे, एक भारत के गांधी और एक हिमाचल प्रदेश के गांधी, इन्होंने मचाई ऐसी आंधी कि अंग्रेजों को जाना पड़ा, ठीक है? तो बताइए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, सरोजिनी नायडू ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, या फिर B.S. परमार ने कहा? तो पहाड़ी गांधी, बाबा कांशीराम, है ना? तीन लोगों को जे वो हुई थी, क्या बोलते हैं इसको, फांसी, और फिर उन्होंने बोला जब तक देश आजाद नहीं हुआ अपन पहनेगा काले कपड़े, ठीक है? और इनका स्ट्रगल हम सब ने देखा है। एंड खैर, ये वाला वर्ड जो इन्हें पहाड़ी बुलबुल का नाम दिया था सरोजिनी नायडू ने, और दूसरा जो नाम है पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट? आगे है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? रेणुका, रिवालसर, पंडो और खजियार। आसान सा सवाल है, 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन पंडो। नेक्स्ट है, चंबा राज्य रियासत का संस्थापक कौन था? साहिल वर्मन, आदित्य वर्मन, विजय वर्मन, मेरू वर्मन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा स्टेट, प्रिंसली स्टेट? चंबा, हाँ ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसका सही जवाब है मेरू वर्मन। अब आप बच्चे भी सोच रहे होंगे, सर कल परसों भी एक सवाल था वहां पे साहिल वर्मन आंसर था, तो अब साहिल वर्मन होगा या मेरू वर्मन होगा, क्योंकि ये कंफ्यूज रखा है। अब प्यारे बच्चों, ये आंसर की में मेरू वर्मन है, तो यानी डिपार्टमेंट ने आंसर इसको माना है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो, आई विल चेक फॉर यू पूरी अच्छे तरीके से, अच्छी दो चार किताबें पकड़नी पड़ेगी, ठीक है? मैं देखता हूँ इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा, मारू वर्मन ही है या फिर साहिल वर्मन है, क्योंकि आप देखो ना, साहिल वर्मन इसलिए आपको लग रहा होगा चंपावती, फिर वो स्टोरी गलत है कि बेटी थी चंपावती, उसका नाम पे चंपा रखा, बाद में चंपा का चंबा हो गया, है ना? उसकी पत्नी थी, पानी की कमी थी तो उसने अपना जौहर किया, मतलब चिन्हवा दी, वैसे समझ लीजिए, है ना? नैना देवी, सुई मेला लगता है, तो या तो फिर वो स्टोरी गलत है, अगर वो स्टोरी सही है तो फिर साहिल वर्मन होना चाहिए था, ठीक है? कोई बात नहीं, इसको हम देखेंगे अच्छे से, फिलहाल के लिए मेरू वर्मन, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में भी यही दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर लास्ट, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर किन्नौर जिले से सिप्की से एंट्री लेती है ये, और ये नदी कौन है? आसान सा सवाल बताओ, ब्यास, यमुना, सतलुज या फिर रावी? ए, बी या फिर सी या डी?
शहर और रियासत, आई विल चेक साहिल, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा इस क्या है एग्जैक्ट डिटो सा, हल्का सा। इसका सही जवाब होता सतरुज, तो बताओ जल्दी से 50 में से कितने बने आपके एचपी जीके में, 50 में से कितने बने? टोटल 100 में से 75 आने चाहिए लास्ट में, नहीं आए तो डंडा उठाइएगा आपके लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट पहला सवाल इंडिया से, पहला सवाल जियोग्राफी के 5 सवाल, बताओ विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? 50 में से 30 आए, बहुत बढ़िया। आज एचपी जीके अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी, बताओ? आप बच्चे बोलते ना सर थोड़ा बढ़ाओ लेवल, बढ़ाया आज? देखा कि नहीं देखा, बताओ? आए ना स्कोर पे, अब आया ना लाइन पे, ऐसे तो 48 50 हैं, चले हुए इनके 50 50। इसका सही हो जाओगे ऑप्शन गंगा, गंगा यानी कि कितनी 2525 किलोमीटर, राइट? दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड द गंगा रिवर डॉल्फिन एंड नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, राइट? आगे बढ़ते हैं, द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज डैश डैश डैश, ईस्टर्न घाट, अरावली रेंज, सह्याद्री माउंटेन, विंध्या माउंटेन, पढ़ाया हुआ है आपको, बताओ जियोग्राफी वाले स्टूडेंट? इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिमी घाट को किस रूप में जाना जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सह्याद्री माउंटेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर मास से, विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर, इन निम्नलिखित में से किस राज्य को 5 नदियों का भूमि, 5 नदियों की भूमि के नाम से जानते हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार, ए बी सी या फिर डी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पंजाब। नेक्स्ट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस राज्य में होगा, यानी कि अगर भारत का मैप देखें तो नदन मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, किन किन राज्यों में होंगे? अब ये राज्य तो नहीं रहा खैर, लेकिन किस यूटी में है ये, अब बताओ? जे एंड के में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में? अब ये आसान सा सवाल सर, जम्मू कश्मीर ही होगा, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, करवाया हुआ है आपको। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका, सीधा सवाल, कर्नाटक की राजधानी क्या है? ये थे 5 सवाल ज्योग्राफी पे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो 5 में से 5 आए कि नहीं आए, इसका भी आंसर दो ज्योग्राफी के। अब सवाल आएंगे हिस्ट्री के 5 सवाल, बताओ। पहला सवाल, प्राचीन भारत में मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था? अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, हर्ष था? किसका पूछा है? मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था? अब हिस्ट्री के टॉप 5, क्योंकि मैं चाहता हूँ सोशल स्टडी, इसीलिए मैंने वेरिएशन लाई है आज की इस क्लास में। इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस वर्तमान देश में स्थित है? क्या ये भारत में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में? सो मेजोरिटी ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से देश में है, ये आपने बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? सो अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस साइट, दिस गाय हैज मर्ज्ड मोर देन 562 प्रिंसली स्टेट, रियासत 562 लगभग, मतलब ये भी आपको आंकड़ा वेरी मिलेगा नो डाउट, मैं पहले बता दूं, है ना, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाता है, एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, तो बताइए कुछ 562 कहते हैं, कुछ 565 कहते हैं, कुछ 548 42, लेकिन द फैक्ट इज ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही डिड वट ही शुड हैव बीन, राइट? तो इसने वही किया जो इन्हें करना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी को मिला दिया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर बचा था, उसमें भी बाद में आगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यस यस यस, है ना, गुजरात। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे भारत के लौह पुरुष। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था, बताइए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? मैं पूछ रहा हूं किसने बनाया ये मुजस्सिमा? वो मूवी देखी है कि नहीं देखी है, बताओ? वही फीलिंग आ रही होगी इस क्वेश्चन को टैकल करते हुए, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना? फिर बाद में हम आपके हाथ काट देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा फिर से देखने को मिले। चलिए, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन सी, शाहजहां हो जाता, राइट? आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? 1949 1942 1947 1950। आसान सा सवाल, 8 अगस्त डैश 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 बताना है आपने, 8 अगस्त डैश डैश डैश,
हाँ जी हाँ जी, इश्क मूवी है, इश्क मूवी है वो, बिल्कुल बिल्कुल इश्क मूवी ही है वो। इसका सही होता ऑप्शन बी 1942। राइट, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857, 1885, 1942, 1950। आसान से सवाल है, बताइए कौन सा दिसंबर था वो, 28, 25, 30, 32, कौन सा दिसंबर था? बहुत बढ़िया अनूप जी, यू आर राइट। शिव कुमार, अमिता शर्मा, दिनेश, दशानन, छोटे दिनायक, काजल, शबनम जी, बहुत बढ़िया। प्रियंका, प्रतीक्षा, रितिका कपूर, बहुत बढ़िया। कि सर 1885 का वो दौर था। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू बिकम अ पायलट एंड फ्लाई सोलो? हैं, कल्ले कल्ले ही बताओ। रानी, पद्मिनी, सरला ठकराल, कल्पना चावला, आरती साहा। पायलट बनने और अकेले उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखो ये कल्ली कल्ली चली गई, हमारा साथ भी नहीं दिया इन्होंने, है ना? तो 21 साल की उम्र में बन गई थी। हाँ, 1885 वॉज द करेक्ट आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन, और इसका सही जो होता सरला ठकराल थी। ठीक है, भारतीय संविधान, पॉलिटी के कुछ सवाल। भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? हु इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर, कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? राइट राइट राइट, कि सर ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ही है फिर, उच्चतम न्यायालय। राइट, आगे बढ़ते हैं। चंद्रचूड़, है ना? लोकसभा में संसद सदस्य अगर बनना है, आपने सांसद अगर बनना है, तो आपके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 साल के, 21 साल के, 25 साल के या फिर 30 साल के? अगर आपने लोकसभा का सदस्य बनना है, सांसद अगर आपने बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने बनना है, तो आप सभी की एज इतनी होनी चाहिए, है ना? और एक एक सीट जो है डिसाइड कर लो अपनी अपनी। ठीक है, तो बताओ जरा मंडी से कौन लड़ रहा है? आपस में ही लड़ लो, यहीं पे मंडी वाले, शिमला वाले, कांगड़ा, मीरपुर लड़ लो। ठीक है, बन जाओ लीडर फिर, हम वोट देंगे ही देंगे आपको। आंसर सी सर, 25 साल तो कम से कम होना ही चाहिए। नए सत्र की शुरुआत के बिना संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम गैप अलाउड बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट अ न्यू सेशन बिगिनिंग? कितने महीने? 3 महीने, 4, 5 या फिर 6? सो मिनिमम 6 मंथ्स आर रिक्वायर्ड, सभी ने पढ़ा है। ऑप्शन डी 6 मंथ। नेक्स्ट सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है? आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। सो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरी पॉलिसी। ऑप्शन बी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या फिर राजनाथ सिंह। सोचा करंट अफेयर का एक सवाल पूछते हैं, बताओ जरा, देखूं मैं भी हमारे होनहार छात्र और छात्राएं क्या आंसर देती हैं यहाँ पे। तो बताइए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है इनमें से? तो इसका सही जवाब होगा, नो डाउट, ऑब्वियसली हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, इकोनॉमी के कुछ सवाल में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करता है, बताइए? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, माइनिंग है। हमने पहले भी किया है कई बार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि सर्विसेज। नेक्स्ट सवाल है, भारत में कौन सा संगठन आयकर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? आरबीआई, सेवी, नीति आयोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो कोई डिपार्टमेंट है बनाया हुआ आयकर के लिए, टैक्स के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग इनकम टैक्स? सो यू हैव टू टेल मी द नेम आउट ऑफ द फोर ऑप्शन। सो यस यस यस, बहुत बढ़िया रूपाली जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। योगेश, दीक्षित, जितेंद्र, प्रतिभा शर्मा, सलोनी राणा, सबीता वर्मा, नेहा, हेमलता, योगेश, दीक्षित, नाइस। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। राइट राइट राइट, हुसैन चंदेल,
कि सर आयकर विभाग ही है वो। यस नरेंद्र चौधरी यू राइट, दैट इज द आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये वो। आगे बढ़ते हैं, वस्तु और सेवा कर जीएसटी को भारत में प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया कब? नहीं एक सेकेंड, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू रिप्लेस डैश 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 सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी या फिर डी। इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया शर्मा जी, ठाकुर जी, जरियाल, काजल जरियाल, बहुत बढ़िया। हिमालयन आ ही गया, कोई ना कोई हिमालयन का दिख ही जाता है हमें, हिमालयन गर्ल, हिमाचली गर्ल, पहाड़ी बंदा, ये दो चार नाम अटपटे से नाम रख के तो आते ही हैं यहाँ। तो जीएसटी जो है इसने सब कुछ किया, सभी को पता है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया और जितने भी फालतू के टैक्स होते थे बैड बुड उन सभी को ठीक किया। बहुत बढ़िया। एक्सप्लोर, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? एलिफेंट, टाइगर, शेर, मोर, भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन है बताइए? सो दिस इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पीकॉक, पैबो, क्रिस्टेलिस, कुछ ऐसे जैसे करके इसका नाम है। एंड लॉयन की बात करें, सो एशियाटिक लॉयंस आर वेरी फेमस एस्पेशली इन द गुजरात, गिर नेशनल पार्क, राइट। एलिफेंट्स आर फेमस इन नदन सदन इंडिया, सॉरी सदन इंडिया स्पेशली, राइट। एंड वन हॉर्न राइनोसेरेस आर फेमस इन काजीरंगा नेशनल पार्क। एंड रणथंबोर नेशनल पार्क आर फेमस फॉर द टाइगर विच इज लोकेटेड एट राजस्थान। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज अ टाइगर पार्क, टाइगर है तो टाइगर, ठीक है। फिर आपकी मम्मी चांटा लगा दी एक जोर से, टाइगर, टाइगर का बच्चा, अरे बच्चा तो मेरा ही है, टाइगर का कहाँ से हुआ। आगे बढ़ते हैं, कई बार मोटिवेशन देते देते ना फैक्चुअल सी चीजें भूल जाते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 1947, 52, 64, 71, क्या होगा इसका सही जवाब? टाइगर है तू टाइगर, लाइगर है तू लाइगर, लॉयन है तू लॉयन, शेर है तू, रोते नहीं है, रोइएगा जब खाना नहीं मिलेगा और बीबी अटैक पे नहीं जाएगी तो बेटा रोना भी पड़ेगा। अब बीबी देखो ना, शेर का भी वही हालत होती है बेटा जो नॉर्मल शादी के बाद आपकी होने वाली है, लड़कों सुन लो, है ना। शेर अटैक तो खुद करता नहीं है, रखी हुई है अपनी महारानियां रानियां, वो अटैक करेंगी, जाएगा खाएगा, बस यही तुम्हारी कहानी, तुम्हें भी बस वैसी लड़की चाहिए, सर खाना बना दे बस सर, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है रसोई में, ये हमसे ना हो पाता लेकिन सहन भी करना पड़ेगा अब अगर फायदे चाहिए। इसका सही जवाब होता 1954, राइट, ऑप्शन बी, क्योंकि नियर बाय ऑप्शन के साथ जाओ हमेशा। 1964 वालों, तो सीवी रमन, सी गोपालाचारी, और कौन थे, एक व्यक्ति और थे, हाँ रविंद्र नाथ टैगोर, इनको नहीं मिला है, तीन व्यक्ति सबसे पहले, नहीं इनको नहीं मिला है, किसको मिला है फिर? क्या होगा इसका सही जवाब? 1952 दिया है ना ऑप्शन में, गो फॉर द क्लोजेस्ट ऑप्शन इफ द करेक्ट आंसर इज नॉट गिवन, दैट्स इट। भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम, 1954 इज करेक्ट बाय द वे, ठीक है, 1954 इज करेक्ट, ठीक है। अब ऑप्शन में ही नहीं था तो बोल दो, ग्रेस मार्क्स दो सर, दे दूंगा एक नंबर। चलिए बताओ फिर, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, CNCIS, नासा, इसरो, सर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इसरो। आगे बढ़ते हैं, सोमनाथ इसके वो है करंट, है ना। द फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट द कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी? जयपुर, न्यू दिल्ली, आगरा, मुंबई, कहाँ पे है कुतुब मीनार, कहाँ पे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जाना है। ऑप्शन बी नई दिल्ली। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह। इसका सही जवाब सभी को पता है सर, ऑप्शन ए, दैट इज हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं फिर, अब राइटर्स और उनकी कुछ किताबें, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिड नाइट चिल्ड्रन विच वन द बुकर प्राइज इन 1981 बताइए? अरुंधति राय, विक्रम सेठ, झुंपा लाहिरी, सलमान रुश्दी, बताओ 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 बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा? मिड नाइट चिल्ड्रन,
पुस्तक के लेखक कौन है जिसने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता था? और प्यारे बच्चों ये थे सलमान रुश्दी। नेक्स्ट सवाल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज अ नोबल रिटन बाय विच इंडियन ऑथर? तो अरविंद आडिगा, कमला दास, झुंपा लाहिरी, अरुंधति राय, इनमें से किस व्यक्ति ने लिखा? प्यारे बच्चों इसका आंसर होता है अरुंधति राय, ऑप्शन डी इन्होंने लिखा है। आगे, एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, क्या ध्यान देना, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी थी? आर के नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, चेतन भगत या फिर रस्किन बॉन्ड? लो जी, रस्किन बॉन्ड भी आए हैं कसौली वालों। इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब होता ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट सवाल क्या है, द व्हाइट टाइगर इज अ नोबल बाय विच इंडियन ऑथर दैट वन द मैन बुकर प्राइज इन 2008? विक्रम सेठ, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, चेतन भगत, एबीसीडी। बच्चे भी लाइक एबीसीडी कर ली बहुत हैं सर, रोज एबीसीडी ही करते हैं हम। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य महाभारत के लेखक इनमें से कौन है? वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास या फिर भाषा? सभी को पता है रामायण की बात करें तो वाल्मीकि जी हैं, कालिदास की बात कुमार संभव, रोज हम बोलते रहते हैं ना, किन्नरों का वर्णन उसी में, और इन्होंने भी संस्कृत के लिए एक लिखा है, कुछ नाम था उसका, विचाय फगट। ठीक है, तो आपने नहीं भूलना है। ठीक है, क्या नाम था इसका, अभी तो नहीं रिकॉल नहीं हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, महर्षि वेदव्यास थे वो जिन्होंने महाभारत लिखी। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। अवनी राजकुमार बहुत बढ़िया, रूपाली, निखिल नास्ता, गुड गुड गुड, रिशु राइट। आगे, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? कौन है रेदर, हाँ कौन है, कौन थे ऐसे बोल दीजिए। अभिनव बिंद्रा, लियंडर पेस, मिल्खा सिंह, पीटी उषा। तो स्पोर्ट्स पे भी सवाल रहते हैं। द फर्स्ट इंडियन हु वन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स, कौन थे वो? सभी को पता है 2008 का दौर था, 2008 का दौर था, एंड द गाय वॉज अभिनव बिंद्रा। ठीक है, यही थे जिन्होंने गोल्ड लाया। नेक्स्ट सवाल, पीवी संधू पे आया, पीवी संधू ने किस खेल में 2016 रियो ओलंपिक्स में रजत पदक जीता और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी? बैडमिंटन, कुश्ती, भारोत्तोलन, तीरंदाजी। आपको तो खैर ये भी पता है सर, ये वो लड़की है जिसने दो मेडल जीते हैं, 2020 में भी इन्होंने जीता, 2016 में भी इन्होंने जीता है ना, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल साइमल्टेनियसली। तो बताइए, और एक और बात, फेडरेशन ऑफ बैडमिंटन सर, इसका हेडक्वार्टर करवाए ना आपको, कहाँ पे है इसका बताना, कहाँ पे है इसका? क्वालमपुर कहाँ पे है? मलेशिया में, वहां पे है इसका। ठीक है, एथलेटिक्स का कहाँ पे है? मोनेको में। करवाए ना आपको सारे आईसीसी के लेके हर एक चीज के। ठीक है, सवाल बनते हैं, बार बार पूछते हैं, जरा सेंटर पेपर देखना कभी। तीरंदाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती, बैडमिंटन, तो ये क्या खेलती हैं? ये ऐसे ऐसे खेलती हैं सर, तो क्या खेलती हैं? बहुत बढ़िया सर, बैडमिंटन। ठीक है, 2016 में भारत को दो ही मेडल आए थे। ठीक है, एक साक्षी मलिक भी थी, उन्होंने मेडल लाया हमें कुश्ती में, बाकी लड़कों की बात। अरे आस्था धाम खाने थे गए ना, आज से गए थे धाम खाने। ठीक है, मठिया गई थी, मेडल ले आसा ते पूछे तुसे कितने लेंदे, मैं आसा कितने ले आने, ताजे आसा धाम ओथी मंडी धाम दीती नहीं तिने से और गस्सा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 83 क्या पूछा है, किस भारतीय क्रिकेटर के पास टेस्ट और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वनडे दोनों में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड है? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं बताना है आपने, कौन है भाई सबसे कितने रन बनाए? 34,000 रन बनाए इस बंदे ने, बताइए। और विराट कोहली भी लगभग लगभग कितने पे है, 26 की 28,000 पे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, दिया भी नहीं है क्या बात है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सचिन तेंदुलकर ही है फिर। ठीक है, बट हाँ ये रिकॉर्ड मोस्ट प्रोबेबली है कि विराट कोहली इसको पार कर लेंगे बड़े आसानी से। नेक्स्ट सवाल, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जिसको हम बोलते हैं एक पेशेवर T20 क्रिकेट लीग है, आईपीएल का पहला सीजन किस वर्ष हुआ? अरे सर ये क्या पूछा, आप तो ये पूछो जीता कौन था, हम बता देंगे, राजस्थान रॉयल, हमें तो पूरा एक एक याद है, ऐसे ही याद होना चाहिए। ठीक है, सो दिस वॉज हैपन इन 2007, 8, 9, 10, कब हुआ आईपीएल इनॉग्रेशन, कब हुआ? द सही जवाब इज ऑप्शन 2008 में। नेक्स्ट सवाल, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में गोला फेंक में रजत पदक हासिल करते हुए
पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मैरी कॉम है, दीपा मलिक है, भावीना पटेल है, साक्षी मलिक है? बताओ, दो तीन ऑप्शन तो ऐसे बाहर कर सकते हैं आप, ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फिर भावीना पटेल ही होगा फिर, ठीक है? अगर आप वन बाय वन एलिमिनेट करेंगे तो 2020 टोक्यो पैरालंपिक, क्योंकि पूछा पैरालंपिक्स का है और पैरालंपिक्स आपको पता ही है जो थोड़े से आ, आ, फिजिकली अनफिट कह लो, है ना, और वो पैरालंपिक्स उनके लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पे है ये, भाभीना करके, भाभीना पटेल हो जाएगा, राइट? यहाँ पे भी सवाल आते हैं, पहली कौन थी, लास्ट कौन थी, गोल्ड मेडल टोटल 19 जीते थे अगर मुझे आप याद करिए, और दूसरे नॉर्मल ओलंपिक्स में 7 जीते थे, नीरज चोपड़ा, है ना, वो सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? बताओ जरा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दीपा के साथ गए हैं बहुत सारे बच्चे, दीपा मलिक, पूजा शर्मा, राजकुमार, देखना पड़ेगा यार ये, आई विल कंफर्म फॉर यू फॉर दैट क्वेश्चन एज वेल। बताइए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? सो सर इसका सही जवाब जाएगा मुंबई, बेस्ट कोट, बजदे बूफर गट्टी च पैंदी चमक गली विच सारे, है ना, मुंबई, क्योंकि जोर से आया ना मुंबई, एक सॉन्ग भी है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय किस शहर में है? न्यू दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई? कहाँ पे है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाता बेंगलुरु, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद विच इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर इज लोकेटेड एट? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, व्हाट शुड द करेक्ट आंसर? इसका सही जवाब देता ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में ही है ये, राइट? आगे सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT का मुख्य परिसर किस शहर में? मुंबई, बैंगलोर, नई दिल्ली, कलकत्ता? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT निफ्ट हैज इट्स मेन कैंपस इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट सवाल, वेयर इज द प्राइमरी हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI? CBI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, बैंगलोर, न्यू दिल्ली, चेन्नई? हेडक्वार्टर पे सवाल रहते हैं आपसे पूछे गए, ऑप्शन सी नई दिल्ली हो जाता। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने जटिल चेहरे के भाव और हाथ की गतिविधियों के लिए जाना जाता है? बताइए, कथकली, उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, उड़ीसी उड़ीसा की है, कथकली केरल की है? बताओ इसका सही जवाब क्या होगा फिर, राइट राइट राइट। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम जो है वो हो चुका है, बहुत हो चुका है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा कथकली। नेक्स्ट सवाल है, रोशनी का प्रसिद्ध भारतीय त्योहार दिवाली को इस नाम से भी जाना जाता है? बता दो जरा एक बार, जोर से बता दो कि दिवाली को हम किस अन्य नाम से बोलते हैं? होली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली? ABCD, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपावली। आगे बढ़ते हैं, पुरुषों के लिए पारंपरिक भारतीय पोशाक जिसमें लंबी शर्ट और पैंट शामिल है कहलाती है साड़ी? भाई साड़ी पहनेंगे लड़के, कैसी ऑप्शन दी है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, लहंगा, कैसी अपमानजनक बातें हो रही हैं, शेरवानी, धोती, चलो समझ आता है? दो ऑप्शन तो बहुत ही गंदी है, मजाक बना रहे हैं पुरुषों का। तो बताइए, द ट्रेडिशनल इंडियन अटायर फॉर द मैन कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग शर्ट एंड पैंट एंड दैट इज कॉल्ड? सर यही तो हम पहनेंगे बहुत जल्द, पहनिएगा तभी तो याद आइएगा, फिर जिंदगी भर पछताइएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ दिया नहीं है, शेरवानी ही है वो, शेरवानी सिला लो। आगे सवाल क्या है, गणित की उस प्राचीन भारतीय प्रणाली का क्या नाम है जिसने शून्य की अवधारणा पेश की? ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, वैदिक मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स? जीरो, आर्यभट्ट, राइट? तो बताओ फिर कहां से स्टार्ट हुआ? हे भगवान, इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, वैदिक मैथमेटिक्स से, राइट? आगे बढ़ते हैं, मुगल सम्राट अकबर किस कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे जिसमें स्याही और रंग का उपयोग करके जटिल डिजाइन और पैटर्न शामिल है? रंगोली, कैलीग्राफी, मिनिएचर पेंटिंग, पोट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज पेंटिंग के लिए जानते थे, तो ऑप्शन सी, मिनिएचर पेंटिंग। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? काफी अच्छा सवाल है,
रमन, रामकृष्णन, अमर्त्य सेन, सीबी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल पुरस्कार पे भी सवाल बन जाते हैं, कई बार पूछते ही हैं। पहले भारतीय जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। आगे बढ़ते हैं, रमन प्रभाव की खोज के लिए किस भारतीय भौतिक विज्ञानी, फिजिक्स के थे ये फिजिसिस्ट, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ये कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, श्रीनिवासा रामानुज, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस। आसान से सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है। ऑप्शन सी, सीवी रमन। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन या फिर अभिजीत बनर्जी? द करेक्ट आंसर इज अमर्त्य सेन। आगे, किस भारतीय इकोनॉमिक्स में, राइट, किस भारतीय कार्यकर्ता और बाल अधिकार अधिवक्ता को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कैलाश सत्यार्थी, अरविंद केजरीवाल, मेधा पाटकर, किरण बेदी। नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए जिसको दिया गया। और इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, शिवम राजकुमार, अपनी साक्षी, पायल सर, एमपी के हमारे कैलाश सत्यार्थी ना, और उस वक्त मलाला जी को भी मिला था, मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की। इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। आगे, लास्ट, सेकंड लास्ट सवाल था हमारा। सो लास्ट सवाल आपसे ये है, हु इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन एन इंडिविजुअल स्पोर्ट? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या फिर कर्ण मलेश्वरी? तो लेट दिस क्वेश्चन बी प्लेस्ड इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? आज के लिए इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसको कमेंट सेक्शन में रखते हैं। हालांकि आपको मैंने करवाया है, अगर आप पोस्ट पे भी जाएं, यूट्यूब पे ही, कम्युनिटी पे, तो आपको मिल जाएगा। इन्हीं को सबसे पहली बार मेडल इन्होंने लाया है ना वेट लिफ्टिंग में, वो आपने बाद में बताना है। खैर, तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और डेली 8 बजे, क्योंकि हम आप सभी के लिए एक धाम रखते हैं, और इस धाम में डिफरेंट डिफरेंट भोज होते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी दालें, और पूरा हिमाचल प्रदेश का तड़का, हिमाचल प्रदेश की सारी धामें आपको लाई जाती हैं, यहाँ पे मिक्सचर लाया जाता है, ठीक है? तो डेली आपने धाम अगर खानी है तो डेली 8 बजे यहाँ पे पधारना है, जैसे कि बाकी 270 बच्चा आया हुआ था आज पढ़ने के लिए, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं, लगन के साथ पढ़ते हैं, पेड क्लासेस में भी पढ़ते हैं हमारे, और यहाँ पे तो चलिए पढ़ते ही हैं, ठीक है? और अगर आपने हमारे साथ लाइव क्लासेस में आना है सर, पढ़ना है, रिकॉर्डेड क्लासेस में पढ़ना है, तो आपके पास यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, आप सूरज सर को कॉल कर सकते हैं, आप मेरे को भी कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, और जो भी बैच में आपने आना है आ सकते हैं आप। एचआरटीसी का बैच चला हुआ है, पटवारी का चला हुआ है, अर्जुना बैच, ठीक है? तो इनको आप ज्वाइन कर लें अगर अगर सपना है। देखिए, पटवारी की बात कर लीजिए जय, ठीक है? वरना कल को आपके पड़ोसी लगेंगे पटवारी, फिर मत बोलना, पुलिस कांस्टेबल में जाना है। सौर्य बैच हमारे पास है, उसको ज्वाइन करिए, पछतावे में मत रहना, रिग्रेट में, ठीक है? आपको यूट्यूब के माध्यम से भी हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, और आप दूसरे वे में भी आप आ सकते हैं। सर्च अस ऑन गूगल, गूगल पे सर्च करिए, बच्चों का फीडबैक देखिए, वहाँ पे सभी बच्चे जो हैं लगभग लगभग संतुष्ट हैं एजुकेशन से। तो studynight.in पे आप सर्च करें, वहाँ पे आप खुद भी बाय कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। बाकी आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, इवन आप अगर पेड बच्चे भी हैं, ठीक है? करते हैं बच्चे, पूछते हैं, अपने डाउट पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है। सो थैंक यू सो मच आप सभी को, मेरी तरफ से एक बार फिर से गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि थोड़ी देर में होने वाली है, 5-10 मिनट में। ओके एवरीवन।